स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की 27 विधान परिषद सीटों पर सुबह मतगणना शुरू। मऊ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे और निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह आशु। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की 27 विधान परिषद सीटों पर आज सुबह मतगणना शुरू हो गई। वहीं मऊ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे और निर्दल प्रत्याशी विक्रांत सिंह आशु अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के अरुण कांत यादव से काफी आगे चल रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राकेश यादव उर्फ गुड्डू तीसरे नंबर पर हैं। उम्मीद है कि 12 बजे के आसपास तक पूरे परिणाम आ जाएंगे। वहीं पूरे प्रदेश की 27 सीटों में से 24 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जबकि दो अन्य सीटों पर भी वही समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं। किसे टक्कर मारते हैं? अब टक्कर किससे तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ। मुझे लगता है कि लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है। अभी आप बोले कि मुझे नहीं लगता कि पार्टी आपका सहयोग करी, तो अगर आपको ये महसूस हो रहा तो अगला आपका कदम क्या होगा पार्टी को लेकर? नहीं, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ से कोई कमी नहीं है। जो कमी है वो हमारे जिला स्तर पर है, और आपने देखा कि 10 की 10 सीटें हमने हारे आजमगढ़ में। जरूर इसमें कोई ना कोई कमी रही, क्योंकि हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि जब किसी कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो बाकी लोग उसका विरोध करते हैं, और ये गलत बात है, क्योंकि जिन लोगों को टिकट मिला विधानसभा में, मुझे नहीं मिला, मैंने तो किसी का विरोध नहीं किया। और दूसरी चीज़ जो मैंने इस चुनाव में देखा है, वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ जो समाज के ऐसे लोग हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जो अनडेवलप्ड हैं या बहुत गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनके लिए बात करता हूँ, उनका हिमायती हूँ भारतीय जनता पार्टी में, उनके लिए मैं पैर भी करता हूँ। पर मैं जो चीज़ देख रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर खरीद फरोख्त हुई है, और उन्हीं की हुई है जिनका मैं हिमायती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो विचार हैं या कामकाज या किसी का सहयोग ये मायने नहीं रख रहा है जो मैंने अभी तक महसूस किया है इसमें, क्योंकि सारे लोग जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि बिक जाएंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और छोटे तो बात ही छोड़िए, बड़े बड़े सांसद विधायक लेवल तक के लोग बिक गए, तो मैं और छोटे नेताओं की क्या बात करूँ। बस कीमत अच्छी होनी चाहिए, बिकते तो सारे ही। पिता का सहयोग कितना मिला? क्या चीज़? पिता का सहयोग कितना मिला? मैं सही बताऊँ, मैंने इस चुनाव को अकेले लड़ा है, और मुझे मैंने बिल्कुल अकेलापन महसूस किया इस चुनाव में, चाहे वो चाहे वो हमारी पार्टी के नेता रहे हों चाहे किसी अन्य दल के, सारे लोगों ने मेरा विरोध किया, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को का पैटर्न चेंज करने की बात करता हूं। लोगों को लगता है कि अगर इनकी बात प्रभावी होगी समाज में तो हमारी दाल नहीं गलेगी, इस वजह से सारे लोगों ने हमारा विरोध किया। और लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप समझदार नहीं बनोगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।